राजस्थान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला आबकारी विभाग ने मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी शराब की दुकानों को सीज करने की कार्यवाही की है। चुनाव के चलते 2 दिन तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दौरान किसी भी शराब की ठेकेदार बाहर से शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी। अजमेर जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि राजस्थान निर्वाचन विभाग के तहत आदर्श आचार संहिता लगाई गई है। ऐसे में मतदान के 2 दिन पहले शराब की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए अजमेर जिले के साथ ही ब्यावर और केकड़ी में 472 शराब की दुकानों पर 2 दिन के लिए सील लगा दी गई है। 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन सभी दुकानों को खोला जाएगा। इससे पहले अगर किसी भी तरह की शराब की बिक्री की जाती है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज इसी के तहत वह अलग अलग शराब के ठेकों पर पहुंचकर उन्हें सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आदर्श आचार संहिता की पालना में चुनाव आयोग के निर्देश पर और माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमने अजमेर जिले की साथ में ब्यावर और केकड़ी जिले की सभी दुकानों को आज 23 तारीख को शाम को 6 बजे बंद कर दिया है। और सभी दुकानों को बंद करने के लिए जिनकी संख्या लगभग 472 है, हमने आबकारी निरोधक दल के सिपाही, आबकारी इंस्पेक्टर और आबकारी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं और वो सभी टीमें राजकीय वाहनों से और दूसरे साधनों से सभी दुकानों पर पहुंचकर उनको सील मोहर करेंगी और इस बात की सुनिश्चितता करेंगी कि परसों मतदान समाप्ति तक किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से मदिरा का विक्रय ना होने पाए।